इस दुनिया में लगभग 7 बिलियन लोग रहते हैं। बेशक इस धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ है, फिर भी हम ये मानते हैं कि आज इंसान हर जगह पर जा सकता है। और असलियत में इस दुनिया में ऐसी सैकड़ों जगह हैं जो इस दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग हैं। बेशक लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन ये लगभग असंभव है कि कोई आम इंसान यहाँ आसानी से रह सकता है। वोल्केनिक आइलैंड से लेकर धरती के नीचे रहने तक आज मैं आपको कुछ सबसे दूरस्थ स्थानों के बारे में बताने वाला हूँ। कूबर पेडी ऑस्ट्रेलिया। 1915 में ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच सोने की तलाश कर रहा 14 साल का बच्चा, जिसका नाम विलियम हचिनसन था, उसे वहां सोना तो नहीं बल्कि एक बेशकीमती पत्थर मिला। उस बच्चे की इस खोज ने आज इस जगह को कीमती पत्थरों की राजधानी बनाकर रख दिया और आज यहां सिर्फ 2500 लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ का तापमान आम दिनों में 47 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और ये हर कोई जानता है कि खुले आसमान के नीचे इतने भयंकर तापमान में कोई जिंदा नहीं रह सकता। इस वजह से लोगों ने रेगिस्तान में गुफाएं बना डाली। इन गुफाओं को डगआउट्स कहा जाता है और इन गुफाओं के अंदर कमाल के आलिशान घर बने हुए हैं। कमाल की बात यह है कि कूबर पेडी ऑस्ट्रेलिया में इतना दूरस्थ स्थान है कि हर कोई यहाँ जाना पसंद नहीं करता। आप शायद विश्वास ना करें, पर जमीनी पानी भी यहाँ 15 मील दूर से पाइप्स के सहारे पहुँचाया जाता है। यहाँ से सबसे पास का कस्बा 273 किलोमीटर दूर है। इस कस्बे का नाम रॉक्सीडॉन्स है और चौंकाने वाली बात यह है कि इस कस्बे में भी सिर्फ 3600 लोग ही रहते हैं। यहाँ रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो मेहनत करके इन लोगों को चमकता हुआ इनाम मिलता है, उसके आगे वो सब कुछ भूल जाते हैं। इटोकोर्टुमी। ग्रीनलैंड में बना इटोकोर्टुमी इतना दूरस्थ स्थान है कि इसे पूरे पश्चिमी गोलार्ध में सबसे दूरस्थ और सबसे कठिनाई भरा स्थान भी कह सकते हैं। चमत्कारिक रूप से इस जगह भी 450 लोग रहते हैं। इसके नाम का मतलब है बड़े घरों में रहने वाले लोग। कमाल की बात यह है कि ये जगह भी शिकारियों द्वारा सील्स और भालुओं के शिकार के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क के किनारे बसा हुआ है और इसी इलाके को दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में गिना जाता है। ये जगह जन आबादी से इतनी दूर है कि सिर्फ 10 या 12 जहाज ही हर साल यहाँ तक जा पाते हैं। लगभग 120 साल पहले यहाँ रहने वाले कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि उनके अलावा भी इस दुनिया में लोग रहते हैं। अब ना सिर्फ ये जगह दुरस्त है बल्कि ये बेहद बर्फीला भी है। यहाँ सारा साल तापमान शून्य से नीचे बरकरार रहता है। गर्मियों में भी यहाँ का तापमान कभी शून्य से ऊपर नहीं जाता। इसी वजह से ये इस दुनिया का सबसे कठिनाई भरा क्षेत्र है जहाँ लोग रहते हैं। इसे देखकर लग रहा होगा कि इस दुनिया की सबसे ठंडी जगह ये होगी, लेकिन इससे भी बदतर हालातों वाली जगह इस दुनिया में मौजूद है। ओयमाकॉन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओयमाकॉन की, जो कि एक ग्रामीण इलाका है और ये इलाका सोकर रिपब्लिक रशिया में बसा हुआ है। ना सिर्फ ये जगह दूर दूर तक जमी हुई बर्फ के बीचों बीच बनी है, बल्कि ये जगह इस दुनिया में सबसे ठंडे इलाकों में शामिल होने का खिताब भी अपने नाम करती है। यहाँ का तापमान इस दुनिया में किसी भी इंसान की जान कुछ ही घंटों में ले सकता है। अब यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल तब खोले जाते हैं जब यहाँ का तापमान कम से कम -30 के आसपास ना पहुँच जाए। जरा सोच कर देखिए, हमें दिल्ली या हरियाणा की ठंड रुला देती है। ज़्यादा ठंड होने पर स्कूल भी बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ -30 डिग्री सेल्सियस को तो सही तापमान समझा जाता है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। यहाँ हर दिन खतरा बना रहता है कि कहीं कोई बर्फीला तूफान उनके सामने ना जाए। इन्हीं सब बातों की वजह से इस जगह को नॉर्दर्न पोल ऑफ कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बने एक म्यूजियम में यहाँ पर हुए मौसम की कुछ कमाल की फोटोज लगी हुई हैं। ये फोटो जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस दिन यहाँ का तापमान -68 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। पूरे उत्तरी गोलार्ध में इससे कम तापमान कभी दर्ज नहीं किया गया। इससे कम तापमान हमें सिर्फ अंटार्कटिका में देखने को मिल सकता है। अब अपने बेरहम हालातों की वजह से ये जगह सुर्खियों में बनी रहती है और कई बार इस जगह को टीवी पर या शोज में दिखाया गया है। बेशक यहाँ की सर्दियाँ लंबी और बेरहम होती हैं, लेकिन कुछ ही समय के लिए सही यहाँ भी गर्मियों का समय आता है और गर्मियों में यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। केरगुलेन आइलैंड्स। जब बात चल रही हो अलग थलग पड़ी जनजाति की, जहाँ से बड़ी जनाबादी बेहद दूर हो, तब आर्कटिक में बने केरगुलेन आइलैंड्स का नाम हर किसी की जुबान पर आता है। इसे डेजोलेशन आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह 300 से ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड्स का समूह है। इन आइलैंड्स के बीच कमाल की वैलीज और उभार आपको दिखाई दे जाएंगे और इन सब में सबसे ऊँचा है ग्लेशिएटेड माउंट रोज। इसकी ऊँचाई लगभग 6100 फीट की है। यहाँ के बेरहम मौसम की वजह से इस जगह को पर्यटन के लिए नहीं माना जाता।
पूरे साल में 300 से ज्यादा दिन या तो यहाँ पर आम बारिश होती है या फिर बर्फबारी होती है। इस जगह की लोकल खुद की कोई आबादी नहीं है, लेकिन फ्रांस एक समय में 45 से 100 वैज्ञानिक हर समय रखता है, जो कि दिन रात यहाँ पर शोध करते रहते हैं। इस जगह पर सिर्फ नाव के सहारे ही आया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। असल में पहले ये जगह खुली जमीन के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो पानी में डूबती चली गई। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों से संबंधित इमारतें हैं, एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन है, हॉस्पिटल है, एक लाइब्रेरी है, एक जिम के साथ साथ एक पब तक है। अब इस दुनिया में सिर्फ यही आइलैंड नहीं है जो दुनिया से कटा हुआ हो, ऐसे बहुत से आइलैंड्स हैं जो जन आबादी से हजारों मील दूर हैं। ट्रिस्टन दा गुना, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई होटल, ना कोई क्रेडिट कार्ड, ना ही कोई सुरक्षित बीच, कुछ ऐसी ही जिंदगी है ट्रिस्टन दा गुना पर रहने वाले लोगों की। और इसी समाज को दुनिया का सबसे अलग थलग समाज माना जाता है। ये आइलैंड अटलांटिक समुद्र के बीचों बीच बना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये आइलैंड वहाँ बना है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। इसके सबसे पास की जमीन जहाँ लोग रहते हैं वो यहाँ से पूरे 2430 किलोमीटर दूर है। ट्रिस्टन आइलैंड को 1506 में ट्रिस्टन दा गुना नामक व्यक्ति ने खोजा था और उन्हीं के नाम पर इस आइलैंड का नाम रखा गया। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उनको यहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिला, और इसके बाद ही उन्होंने यहाँ कोई समाज बनाने का फैसला छोड़ दिया। और इसके बाद सबसे पहले इस आइलैंड पर लोग 1810 में आए, और यहाँ बसने वाले सबसे पहले इंसान का नाम जोनाथन लैम्बर्ट था, और उन्होंने ही इस पर अपना मालिकाना हक जताया। लेकिन 1816 में इस आइलैंड को यूके ने अपने अधिकार में ले लिया, और आज वहाँ कुल 267 लोग रहते हैं। यहाँ कुछ आम सुविधाएं जरूर उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे एक हॉस्पिटल, एक किराना की दुकान यहाँ मौजूद है। लेकिन शायद आप विश्वास ना करें कि यहाँ पर कोई भी घरेलू सामान मंगवाने के लिए कुछ महीनों पहले ऑर्डर करना पड़ता है। ये इतना दूर है कि यहाँ बिजली नहीं पहुँचाई जा सकती। इसके बदले इस आइलैंड पर कई जगह डीजल जनरेटर लगाए गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये आइलैंड एक जन्नत जैसा है। लेकिन ये बात भी ना भूलिएगा कि ये आइलैंड एक ज्वालामुखी के ऊपर बना हुआ है, और 1960 में ये ज्वालामुखी जाग उठा था, जिससे इस पूरे आइलैंड का नाश हो गया था। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों ने फिर से मेहनत करके इसे फिर से रहने लायक बना डाला। तो अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो ये स्थान आपके लिए है। इक्विटोस। इक्विटोस पेरू का एक शहर है। इस शहर तक एयरप्लेन और बोट के सहारे जाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ बोट के सहारे ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनको अमेज़न नदी में घूमने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर हर तरह की सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ट्रेन्स, बसेस, यहाँ तक कि इंटरनेट। इस शहर में 500,000 लोग रहते हैं, लेकिन मैंने इसे अपनी लिस्ट में सिर्फ इसलिए शामिल किया क्योंकि ये इस दुनिया का एकमात्र इतना बड़ा शहर है जहाँ तक कोई भी रोड नहीं जाता, मतलब आप यहाँ सड़क मार्ग से नहीं जा सकते। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल का कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।